कौन है हम और है आए कहां से, क्या है हमारा ठिकाना। कौन है हम और है आए कहां से, क्या है हमारा ठिकाना। हंस देते हैं हम जो पूछे वो हमसे, बातें यही ये जमाना। गाते हैं क्यों और चिल्लाते हैं क्यों हम, बेकार है ये बताना। गाते हैं क्यों और चिल्लाते हैं क्यों हम, बेकार है ये बताना। अगर आप मेरे माथे पर बंदूक रख के मुझे गीता पढ़ने के लिए कहेंगे, मैं गीता पढ़ने से इनकार कर दूंगा। अगर आप किसी मुसलमान का या किसी दलित को पीटेंगे मारेंगे, तो सरकार के मंत्री आकर आपको माला पहनाएंगे, सरकार के मंत्री आकर आपको सम्मान देंगे। ये तमाम की तमाम जो लिंचिंग है, ये पॉलिटिकल किलिंग्स हैं, ये पॉलिटिकल किलिंग्स हैं। ये राम से प्यार का नहीं, ये मुस्लिम कौम से नफरत का मामला है। हम कहना चाहते हैं उस नरेंद्र मोदी को जो सबका साथ और सबका विश्वास कहते हैं, तेरे सबका साथ और तेरे सबके विश्वास को हम ठोकर से मारते हैं और तुझे नाना देते हैं। अकरवा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर, वही कातिल वही शाहिद वही मुंसिफ ठहरे। हमारे लिए तो लहू गर्म रखने का छोटा सा ये एक बहाना, मगर याद रखना लहू की हमारी जो गर्मी रहेगी यहाँ पर। मगर याद रखना लहू की हमारी जो गर्मी रहेगी यहाँ पर। तुम्हें अपने खून की हर एक बूंद में है, उसी से उबाला लगाना, उसी से उबाला लगाना। अगर आप किसी मुसलमान का या किसी दलित को पीटेंगे मारेंगे, तो सरकार के मंत्री आकर आपको माला पहनाएंगे, सरकार के मंत्री आकर आपको सम्मान देंगे। कोई भरोसा नहीं है तबरेज के लिंचर्स को, तबरेज को मारने वालों को, अगर कभी विधानसभा या लोकसभा का टिकट भी दे दिया जाए। इस संरक्षण के खिलाफ हमको बोलना है। अगर मुसलमानों की बेहुरमती हुई, अगर मुसलमानों का बराबरी से और इज्जत से रहने का हक छीना गया, तो हिंदुस्तान की धर्म निरपेक्षता और हिंदुस्तान की ये जो पूरी इमारत है, ये बरकरार नहीं रहेगी। इसलिए हमें अगर हिंदुस्तान को बरकरार रखना है, तो धर्म निरपेक्षता की पहली शर्त को बरकरार रखना होगा, और वो शर्त है अक्सरियत के हक की इज्जत, उसकी हिफाजत, और उसके लिए आखिरी कदम तक जाना। अगर आप मेरे माथे पर बंदूक रख के कहेंगे, और ये गांधी कह रहा था इसी दिल्ली में 20 दिसंबर 1947 को अपनी प्रार्थना सभा में, कि अगर आप मेरे माथे पर बंदूक रख के मुझे गीता पढ़ने के लिए कहेंगे, मैं गीता पढ़ने से इनकार कर दूंगा। मैं कोई भी नारा लगाने से इनकार करता हूं, जय श्री राम, भारत माता की जय, कोई भी नारा, अगर वह नारा मुझ पर धमकी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और यह बात हम लोगों को बिना हिचक के, बिना शर्म के, बिना हिचकिचाहट के खुल कर कहनी चाहिए। हिंदुस्तान में रहने के लिए कोई भी किसी भी शर्त को हमारे ऊपर नहीं लगा सकता। हिंदुस्तान में रहने का हक हर किसी को उतना ही है जितना दूसरे को है, और उसके लिए उसको कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। ये मॉब लिंचिंग है या पॉलिटिकल किलिंग्स हैं? झारखंड में एक एक विक्टिम्स के हम लोग घर गए हुए हैं, और दावे के साथ इस बात को कह सकते हैं कि ये भीड़ नॉर्मल भीड़ नहीं है, ये भीड़ पॉलिटिकल तरीके से मोबिलाइज करी गई है, और ये तमाम की तमाम जो लिंचिंग है, ये पॉलिटिकल किलिंग्स हैं, ये पॉलिटिकल किलिंग्स हैं। क्योंकि मरने वालों की जब आप तादाद देखते हैं, तो वो या तो माइनॉरिटी मिलते हैं या आपको ट्राइबल्स मिलते हैं, लेकिन जब आप मारने वालों को देखते हैं, तो मारने वाले एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मिलते हैं। देश के सदन में
जिस समय मुस्लिम एमपी उठ करके खड़े हुए अपना ओथ टेकिंग करने के लिए, संविधान पर ओथ लेने के लिए, उस समय उनके खिलाफ जय श्री राम के नारे लगाए गए, वहां से इशारा किया जा रहा है साफ साफ पूरे देश में कि यही आप कर सकते हैं। अगर आप राम को मानते हैं, आप रामजादे हैं, तो इस देश में रहिए, वरना आप क्या हैं वो तो साध्वी निरंजन ज्योति ने कह दिया दिल्ली चुनाव के दौरान, गाली है, मैं कहूंगी नहीं आप। इसलिए मुझे मेरा साफ मानना है कि इसको लेकर के मीडिया जो कह रही है कि ये हिंदुत्व फ्रिंज ग्रुप से, ये हाशिए वाले ग्रुप से, कोई हाशिया नहीं है, ये हमारे सत्ता पर काबिज है और वहां से वो पूरे देश के संविधान को बदलना चाहते हैं और देश को ऐसी दिशा में, हिंदू राष्ट्र की दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसलिए इसके खिलाफ बोलना ये हम सारे लोगों का काम है, हम सबको इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है कि हमारे देश में पहले चोरी के नाम पर लिंच मॉब्स हुए हैं, महिलाओं को जो है डायन कहकर के लिंच मॉब्स में मारा है, लेकिन वो एक दूसरी चीज है। यहाँ पर जो जय श्री राम के और जय हनुमान के नारे लगाए गए, नारे लगवाए गए उस व्यक्ति द्वारा जो विक्टिम थे तबरेज को से लगवाए गए, ये साफ करता है कि ये नफरत का मामला है, ये राम से प्यार का नहीं, ये मुस्लिम कौम से नफरत का मामला है, ये भारत के संविधान से नफरत का नारा, ये जय श्री राम का नारा बनाया जा रहा है और इसलिए इसके खिलाफ बोलने का काम ये सबका है। हम कहना चाहते हैं उस नरेंद्र मोदी को जो सबका साथ और सबका विश्वास कहते हैं, अरे इस देश का सेकुलर हिंदू हो, इस देश का सेकुलर मुसलमान हो, या सिख हो, ईसाई हो, तेरे सबका साथ और तेरे सबके विश्वास को हम ठोकर से मारते हैं और तुझे नाना देते हैं। और यहाँ से मैं 100 किलोमीटर दूर पार्लियामेंट में बैठे हैं, मैं कहता हूँ आओ जंतर मंतर पे, इस जंतर मंतर पे कोई मुसलमान नौजवान नहीं है, कोई स्टूडेंट मुसलमान नहीं है, यहाँ पर 25% मुसलमान होगा तो 75% यहाँ के अंदर हिंदू होगा, किस गैर मुस्लिम होगा। यही है वो लोग जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचा के रखे हुए हैं। हैवानियत के साथ उनको लिंच किया गया और देश के प्रधानमंत्री का बयान आता है कि आप झारखंड को बदनाम मत कीजिए। अरे भाई, आपके जितने गुंडे, उचक्के, लफंगे और लुच्चे किस्म के कार्यकर्ता है और उनको जो संरक्षण आपके पूर्व मंत्री जो यशवंत सिन्हा के बेटे हैं जयंत सिन्हा, उनके द्वारा गोरक्षकों को संरक्षण ही नहीं दिया गया बल्कि उनका नागरिक अभिनंदन किया गया, और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं रुकी नहीं, बढ़ती गई। अरे अकरवा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर, अकरवा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर, वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे। इस देश की जुडिशरी को जिस तरह से अपने इशारे पर नचाया जा रहा है, देश की संसद जिस तरह से मौन है और देश की कार्यपालिका और खबरपालिका जिस तरह का तांडव कर रही है, उसमें हमको लगता है कि अगर समय रहते ये लोग नहीं चाहते तो इस देश को गृह युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है। आए हैं हम तो चले जाएंगे भी, रह जाएगा ये तराना, आए हैं हम तो चले जाएंगे भी, रह जाएगा ये तराना, कसम है तुम्हें कि हबाद हमारे तुम भी इन्हें गुनगुनाना, कसम है तुम्हें कि हबाद हमारे तुम भी इन्हें गुनगुनाना, कसम है तुम्हें कि हबाद हमारे तुम भी इन्हें गुनगुनाना, तुम भी इन्हें गुनगुनाना, तुम भी इन्हें गुनगुनाना।